वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश कर दिया है। इसमें किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की गई है। इसमें प्रमुख घोषणा किसानों से MSP पर फसल की ज़्यादा सरकारी खरीद करने को लेकर की गई है। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार इस सत्र में 163 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर 1208 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद करेगी। इसके लिए 2.37 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह पैसा सीधा किसानों के खाते में भेजा जाएगा। इसी के साथ वित्त मंत्री ने कहा कि खेती में नई तकनीक ड्रोन के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। वही कीटनाशक मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा बजट में किसानों के लिए और भी कई घोषणाएं की गई है जो भारतीय कृषि के संदर्भ में लाभकारी साबित होंगी। इन सब के बीच किसानों को बजट से जो उम्मीद थी वे पूरी नहीं हो पाई है। इसमें MSP पर गारंटी को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है और ना ही किसानों को मिलने वाली PM किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने की कोई बात की गई है। इस तरह ये बजट किसानों के लिए संतोषप्रद बजट कहा जा सकता है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 में किसानों के लिए 10 प्रमुख घोषणाएं की गई है जो इस प्रकार से है। नंबर 1, इस सत्र में 163 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर 1208 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करेगी। इसके एवज में सरकार किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपये भेजे जाएंगे। नंबर 2, जीरो बजट खेती और एग्रोनिक खेती आधुनिक कृषि मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। नंबर 3, केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना की घोषणा की गई है। यह परियोजना 44,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाएगी। नंबर 4, किसानों को डिजिटल और हाईटेक बनाने के लिए PPP मोड में नई योजनाएं शुरू की जाएगी। नंबर 5, फसल मूल्यांकन भूमि रिकॉर्ड कीटनाशकों से छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। नंबर 6, नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए फंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नंबर 7, स्टार्टअप FPO को सपोर्ट करके किसानों को हाईटेक बनाया जाएगा। नंबर 8, साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। नंबर 9, किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी। इसी के साथ राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को रिवाइव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नंबर 10, गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े एरिया में किसानों की ज़मीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों, किसानों को बजट से जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई है। किसान आंदोलन का मुख्य मुद्दा MSP की गारंटी था जिसका इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। वही PM किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने को लेकर कोई बात नहीं की गई है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।